बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन जो मोर देन वन एसेट्स हों जब हमारे पास, और उनके अकाउंट्स भी बनाने हों और उनकी दो या तीन एसेट्स हों, उनकी हम डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। क्योंकि दोनों दो एसेट्स दिए गए हों, एक से ज़्यादा एसेट्स दिए गए हों, और उनकी हम अकाउंट्स कैसे बनाएंगे और उनकी डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन आया, कंपनी मेंटेन इट्स नॉन करंट एसेट्स एट कॉस्ट, द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज यूज फॉर ईच टाइप ऑफ एसेट, मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम एंड फिक्स्चर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन एसेट्स इन एग्जिस्टेंस एट द एंड ऑफ ईच ईयर। Given a full year's depreciation, even though the asset was bought part of the way through the year, the following transaction in assets have taken place. It means कि हम उसको depreciation उसकी charge करेंगे, बेशक हमने उसका कुछ part जब purchase किया उस year में use किया हम, it means कि at the year of purchase, जो in the year of purchase भी उसमें depreciation charge करेंगे। The financial year ends the of the business is 31st December. अब इसमें 2012 और 13 दिए गए हैं। 2012 में जनवरी 1 को परचेज किया है, बॉट मशीनरी 2800 पाउंड्स और फिक्स्चर परचेज किया 290 पाउंड्स के, और उसके बाद जुलाई 1, 2012 में ही फिक्स्चर्स और परचेज किए हैं, बॉट फिक्स्चर्स 620 पाउंड्स के, और उसके बाद 2013 में जो अक्टूबर 1 में मशीनरी बाय की है 3500 की पाउंड्स की, और दिसंबर 1 में फिक्स्चर्स बाय किए हैं 130 पाउंड्स के। उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है, द मशीनरी अकाउंट द फिक्स्चर अकाउंट, सब इन दोनों के अकाउंट्स बनाने हैं। द टू सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ द ऑफ दीज एसेट्स, अब इनके दोनों के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने हैं, जिसको एक्युमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं इन दोनों एसेट्स के। द नॉन करंट एसेट सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 एंड 2013, मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर में कैसे ही? ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे शो होते हैं ये एसेट्स, उनको बताना है, जो कि बैलेंस शीट भी कहलाती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट, ये एक ही बात है। उसके बाद अब हम रिक्वायर्ड है, जो उसमें हम मशीनरी अकाउंट सबसे पहले देखेंगे। मशीनरी अकाउंट में ये हमारे पास डेबिट और क्रेडिट साइड है, लेफ्ट साइड विल बी डेबिट साइड एंड राइट विल बी क्रेडिट साइड। इसमें हमारे पास है 2012 में जनवरी 1 में मशीनरी बाय की थी 2800 पाउंड्स की। अब इसमें मशीनरी जब बाय की जाती है कोई एसेट, तो वो डेबिट होता है, और अगर बैंक से परचेज किया है हमने तो बैंक क्रेडिट होता है या कैश क्रेडिट होता है। अगर क्रेडिटर से परचेज करें तो क्रेडिटर क्रेडिट हो जाता है। अब इसमें मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अब बैंक को इसीलिए डिटेल कॉलम पर्टिकुलर कॉलम में लिखा है। अब ये टोटल हमारे पास 2012 में और कोई मशीनरी परचेज नहीं की, तो हम इसका टोटल करेंगे और बैलेंस भी हमारे पास जो राइट डेबिट साइड का टोटल है वही हमारे पास ना आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो है, तो बैलेंस भी उतना ही होगा जितना उसका टोटल होगा 2800, और ये क्लोजिंग बैलेंस था 2012 का, 2013 का वही ओपनिंग बैलेंस होगा। बैलेंस बी डी ऑफ 2013 विल बी 2800 पाउंड्स। उसके बाद 2013 में परचेज किया है जी बाय मशीनरी 3500 अक्टूबर 1st, अभी अक्टूबर 1st को ये वही एंट्री फिर भी वही है कि मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब 3500 को डेबिट कर दिया, बैंक को डिटेल कॉलम में लिखा क्योंकि बैंक क्रेडिट हो रहा है, 1 अक्टूबर को हमने परचेज किया था। अब इसको टोटल कर लेंगे 6300, और हमारे पास क्रेडिट साइड में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम टोटल भी उतना ही करेंगे 6300। अब हमारे पास बैलेंस भी
6300 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास ज़ीरो था वैल्यू क्रेडिट साइड पे, और ये क्लोजिंग बैलेंस 2013 का 6300 और 2014 का भी ओपनिंग बैलेंस, जो क्लोजिंग बैलेंस था 13 का, वो 14 का ओपनिंग बैलेंस होगा 6300। उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है, सेपरेट अकाउंट बनाएंगे हम इसके, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब हम मशीनरी का अकाउंट बनाए हैं, हम उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे मशीनरी का। क्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ मशीनरी, अब इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड है, लेफ्ट साइड पे डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड राइट साइड पे है। अब मशीनरी को हम डेप्रिसिएट करेंगे 15% पर एनम से, और ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हम करेंगे, क्योंकि इसमें बताया गया है, ये देखें, यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये हमारे पास 2012 की डेप्रिसिएशन है मशीनरी की, इसको हम कैसे करेंगे, ये 420 हमारे पास आया है, क्योंकि 2800 की हमने मशीनरी परचेज की थी, और इसकी रेट जो है ना वो 15% है हमारे पास, तो 15% से हमने डेप्रिसिएट करना था, तो 2800 मल्टीप्लाई 15% तो हमारे पास 420 आ गया। इसको इनकम स्टेटमेंट में हम क्लोज करते हैं, इसकी एंट्री क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एक्युमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। अब चूंकि एक्युमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, और इनकम स्टेटमेंट जिस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं और इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं, और वो डेबिट होता है, इसीलिए हमारे पास पर्टिकुलर कॉलम में लिखा जाता है यहाँ पे। और ये हमारे पास टोटल आ गया, क्योंकि हमारे पास यही एक एंट्री थी क्रेडिट साइड पे, और डेबिट साइड पे भी यही टोटल लिख देंगे, क्योंकि हमें उधर एक इक्वल करना है इनको, तो हमारे पास बैलेंस भी 420 ही आ जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस है 2012 का, और ये 2013 का ओपनिंग बैलेंस भी होगा, जो 2012 का क्लोजिंग है वो 2013 का ओपनिंग बैलेंस होगा, बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस है, जबकि बैलेंस सीडी जो क्लोजिंग बैलेंस होता है। अब इसमें वर्किंग देखेंगे, 2013 का हम कैसे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन इसकी, 2013 में जो हमारे पास 2800 का हमने एसेट परचेज किया था, उसमें से उसकी डेप्रिसिएशन पहले लेस करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास आएगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जिसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, उससे हम चार्ज कर रहे हैं, पहले हम उसको रिड्यूस करेंगे, मीन उसकी डेप्रिसिएशन पहले लेस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स की है। अब एक ही ईयर की है 420, तो 2800 लेस 420 मल्टीप्लाई 15%। अब 2013 में इसकी लेंगे जो 2800 का एसेट है, तो ये 357 बन गया। अब 2013 में एक 3500 का एसेट परचेज किया, मशीनरी परचेज किया, उसको हम क्योंकि 15% से करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास न्यू है, 2013 में ही परचेज की गई है, तो उसको सीधा सीधा हम 15% से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका 15% लेंगे तो 525 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन जो होगी वो 2800 और 3500 वाले एसेट्स की, दोनों की 882 आ जाएगी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, ये देखें जो मैंने रेड किया हुआ 2800 लेस 420, मीन 420 उसकी डेप्रिसिएशन लेस की है, फिर उसको जो नया एसेट परचेज किया है 3500 वाला, उसको प्लस कर देंगे, हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 5880। उसको फिर हम 15% से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि इसकी परसेंटेज है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हम जिसको कर रहे हैं, इसकी परसेंटेज दी हुई है डेप्रिसिएशन की, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर भी वही आंसर आएगा 882। अब ये हमारे पास 882 है, उसको हम इनकम स्टेटमेंट में क्लोज कर देंगे, इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगी और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है मशीनरी की वो क्रेडिट होगी, इसलिए हम क्रेडिट साइड पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इनकम स्टेटमेंट को इसलिए लिखा है इधर प्रॉफिट एंड लॉस को, क्योंकि ये डेबिट हो रहा है। अब इसका टोटल है 1305, क्योंकि हमारे पास और कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो हम इसको टोटल कर दिया,
और हम इक्वल करने के लिए डेबिट और क्रेडिट को उधर डेबिट साइड पे भी 1302, और इतना ही इसका बैलेंस आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 2013 का, और 2013 का क्लोजिंग बैलेंस 2014 का ओपनिंग बैलेंस होगा 1302 ऑन जनवरी 1, 2014। इसके बाद हमारे पास फिक्सचर अकाउंट आएगा। फिक्सचर अकाउंट हम देखेंगे, इसका अकाउंट बनाएंगे पहले एसेट अकाउंट। फिक्सचर अकाउंट है, ये लेफ्ट साइड डेबिट साइड है और राइट साइड क्रेडिट साइड है। इसमें हमारे पास हम 2012 में देख रहे हैं कि कितना फिक्सचर परचेज किए हैं। जनवरी 1 को परचेज किया है 290 पाउंड्स के। अब ऑन जनवरी 1 हम एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं, जब परचेज करते हैं फिक्सचर्स डेबिट हो जाएंगे और बैंक क्रेडिट होगा, इसीलिए हम फिक्सचर्स को डेबिट किया और बैंक को डिटेल कॉलम में लिखा है। अब हमारे पास ऑन जुलाई 1 को भी फिक्सचर परचेज किए हैं 620 के। अब इसको भी रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। आप देखें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया फिक्सचर अकाउंट टू बैंक। अब फिक्सचर अकाउंट डेबिट होंगे और बैंक क्रेडिट हो जाएगा ऑन जुलाई 1। अब इसका हम टोटल कर लेंगे 910 के आगे टोटल फिक्सचर्स 2012 में। अब हम डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करेंगे तो हम क्रेडिट साइड पे भी 910 ही लेंगे टोटल, और इतना ही इसका बैलेंस होगा क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी क्रेडिट साइड पे, और बैलेंस भी हमें क्लोजिंग यही लेना पड़ेगा 910। और 2012 का क्लोजिंग बैलेंस 2013 का ओपनिंग बैलेंस होगा 910 ऑन जनवरी 1, 2013। अब हम 2013 में कितने परचेज किए हैं फिक्सचर्स, दिसंबर 1 में परचेज किए हैं हमने 130 पाउंड्स के। अब 130 पाउंड्स को हम डेबिट करेंगे फिक्सचर्स को, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फिक्सचर्स को डेबिट कर दिया बैंक को क्रेडिट, अब बैंक डिटेल कॉलम में इसलिए आ गया क्योंकि क्रेडिट हो रहा है ऑन दिसंबर 1। अब इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास 2013 का टोटल आ जाएगा 1040। अब डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करने के लिए हमने क्रेडिट साइड पे भी यही टोटल लिया है 1040। अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस 2013 का 1040 आएगा क्योंकि हमारे पास क्रेडिट साइड पे कोई भी वैल्यू नहीं थी, और टोटल भी यही है और क्लोजिंग बैलेंस भी यही है, बैलेंस सीडी ऑन दिसंबर 31, 2013। और 2013 का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो 2014 का ओपनिंग बैलेंस होगा ऑन जनवरी 1, 2014 1040। इसके बाद हम इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट देखेंगे फिक्सचर्स का। अब फिक्सचर का देखना पड़ेगा हमें। अब फिक्सचर्स का एक्युमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ फिक्सचर्स, अब इसमें भी डेबिट और क्रेडिट साइड देखेंगे। डेबिट विल बी लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट विल बी राइट साइड, और फिक्सचर्स को हम 5% पर एनम से डेप्रिसिएट करेंगे। इसका रेट है, डेप्रिसिएशन रेट इसका 5% है, और इसको भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएट करेंगे क्योंकि इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि एक्युमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स की, इसमें हमने क्रेडिट किया 46 को। 46 कैसे आया, 910 के टोटल हमने एसेट्स परचेज किए थे। अब इसका रेट है 5%, डेप्रिसिएशन रेट है 5%, 910 मल्टीप्लाई 5% ये 46 आएगा। अब इसकी एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री जो होगी वो होगी इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एक्युमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एक्युमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, अब इसलिए क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया है राइट साइड पे 46, और इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चूँकि डेबिट होता है इसलिए इसको पर्टिकुलर कॉलम जिसको डिटेल कॉलम भी कहते हैं उसमें लिखा है। अब इसका टोटल भी 46 हो जाएगा क्योंकि हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं है इस साइड पे क्रेडिट साइड पे, तो हम 46 इसका टोटल भी ले लेंगे। उसके बाद दोनों साइड्स पे इक्वल करने के लिए डेबिट साइड पे भी हमने 46 लिया है टोटल, तो इसलिए हमारे पास और कोई वैल्यू नहीं थी डेबिट साइड पे, तो इसलिए हमें उसका बैलेंस भी 46 जो है ना वो डेबिट साइड पे
टोटल का ही लेना पड़ा, 46 ही उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा 2012 का, एक्युमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ फिक्सर्स का ऑन 31 दिसंबर 2012। अब जो 2012 का क्लोजिंग बैलेंस था वो 2013 का ओपनिंग बैलेंस होगा, 46 ऑन जनवरी 1 2013 बैलेंस बीडी। इसके बाद कैसे चार्ज करेंगे? अब चूंकि जो 2012 में हमने किए थे 910 के, उसमें से 46 पहले लेस करेंगे क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कर रहे हैं, फिर उसको 5% करेंगे, 910 लेस 46। अब जो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको 5% से करेंगे इक्वल टू 43.2। और जो अब इस जो 2013 में हमने परचेज किए हैं फिक्सचर्स, उनको हम सीधा सा उसका कर लेंगे स्ट्रेट, उसका 5% ले लेंगे, वो आएगा 6.5। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 43.2 प्लस 6.5, ये आएगा 49.7 जो के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 40 के होता है, 50 के होगा। तो हम 50 ले लेंगे इसका। अब ये देखें हमारे पास, अब 2013 का हमारे पास दोनों एसेट्स का, 2012 वाले और 13 वाले, इन दोनों का टोटल डेप्रिसिएशन आ गई है 50। अब इसकी भी वही जनरल एंट्री होगी इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्सचर्स। अब इसीलिए हमने रिकॉर्ड किया क्रेडिट साइड पे, और इनकम स्टेटमेंट को पर्टिकुलर कॉलम या डिटेल कॉलम में लिखा है क्योंकि ये डेबिट हो रहा है, या जो प्रॉफिट एंड लॉस भी कहलाता है इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसको टोटल कर लेंगे, 46 प्लस 50 इज इक्वल टू 96, और डेबिट साइड पे भी वही इक्वल लेंगे, और अब हमारे पास बैलेंस भी वही आएगा क्योंकि डेबिट साइड पे और कोई वैल्यू नहीं है, और ये क्लोजिंग बैलेंस होगा 2013 का ऑन दिसंबर 31, बैलेंस सीडी विल बी 96, और यही 2014 का ओपनिंग बैलेंस होगा ऑन जनवरी 1, बैलेंस बीडी विल बी 96। इसके बाद हमारे पास नॉन करंट एसेट्स का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में सेक्शन हमने शो करना है 2012 और 13 के लिए। अब इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसमें देखें 2012 का हम करते हैं मशीनरी और फिक्सचर्स दोनों के लिए, हमने एक एक कॉलम बना लिया इसका। अब इसमें देखें मशीनरी का हम सबसे पहले देखते हैं, मशीनरी हमने कितनी परचेज की थी 2012 में, 2800 की टोटल की थी पाउंड्स की। अब 2800 की टोटल थी मशीनरी, तो हमने इसको कॉस्ट या इसकी वैल्यू भी कह सकते हैं 2800। उसके बाद फिक्सचर्स कितने के परचेज किए थे, फिक्सचर्स हमने एक साल में दो दफ़ा परचेज किए हैं 290, और फिर जुलाई 1 को किए हैं 620 के। अब ये टोटल हमारे कितने आ जाएंगे, 910। अब इनको प्लस करेंगे 910 आ जाएंगे। उसके बाद अब एक्युमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी की वो आ रही है 2012 की 420, ये देखें 420 हमने कर ली इसकी, लेस करेंगे 420 इसकी डेप्रिसिएशन। उसके बाद फिक्सचर्स की कितनी है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, 46 2012 की, तो 2012 की हमने 46 जो डेप्रिसिएशन है उसको लेस करेंगे। अब इन दोनों की नेट बुक वैल्यू ये आ जाएगी, मशीनरी की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 2380 और फिक्सचर्स की आ जाएगी 864। उसके बाद 2013 के लिए मशीनरी और फिक्सचर्स की वैल्यूज़ क्या होंगी, अगर इसमें दोनों 2012 और 13 दोनों की हम करेंगे, मशीनरी की 2800 प्लस 3500, अब ये टोटल अमाउंट जो है ना 2013 में शो होगी वो 6300 होगी बैलेंस शीट में, जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं 6300। और इसकी और फिक्सचर्स की कितनी होगी, फिक्सचर 2012 और 13 में टोटल कितने किए थे, 2012 में 290 और 620 के, और 13 में किए थे 130 पाउंड्स। अब ये टोटल इनका आ गया 1040।
अब इसमें डेप्रिसिएशन कितनी होगी, मशीनरी की डेप्रिसिएशन टोटल होगी जी 1302 2012 और 13 की मिला के। अब 1302 मशीनरी की डेप्रिसिएशन होगी टोटल क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी फिक्स्चर्स की। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को टोटल डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अभी इसकी टोटल डेप्रिसिएशन जिसको क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं 96 होगी। अब इसको 96 इसमें से लेस करेंगे इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिक्स्चर्स की, ये इन दोनों की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी आफ्टर 2013 इनकी डेप्रिसिएशन को लेस करके। मशीनरी की आएगी 4998 और फिक्स्चर्स की आएगी 944। अब ये इसका टोटल अकाउंट होगा। थैंक यू।